ये है दिल्ली दर्पण। बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक अपने काफिले को रुकवाकर बसों का औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। मूलचंद शर्मा ने बसों के कागजात चेक किए, लेकिन बस वालों के पास बसों के कागज पूरे नहीं मिले और न ही कोई लाइसेंस, जिसके बाद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को सभी गाड़ियों को इम्पाउंड कराने का आदेश जारी कर दिया। भविष्य के लिए भी अधिकारियों को सख्त आदेश दिए। अभी बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पे छापा है, कोई यूपी नंबर की, कोई दिल्ली नंबर की, हरियाणा नंबर की रोडवेज हो, इस तरह की 7 बसें पकड़ी हैं जो वैध रूप से चली हुई थी। उनको कुछ को चालान पे, कुछ को इम्पाउंड करने का काम करा है। इस तरह की अवैध बस चलती रही तो हरियाणा रोडवेज को चूना लगाने का काम करेंगे। इस तरह की हरियाणा में जहाँ जहाँ इस तरह की बस चलेंगे उन सबको इम्पाउंड कर लेता है, पर समय लगेगा धीरे धीरे इस काम में करने को। कोई चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, हर चीज़ का समय है, समय के साथ सब ठीक है। बता दें कि जब से मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री बने हैं तब से लगातार एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। बात गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें या फिर अन्य जिलों की, मूलचंद शर्मा लगातार अवैध रूप से चल रही बसों पर शिकंजा कसे हुए हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।